सदाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेश तारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज दोपहर को हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन में के लीला में हमको समझाते हैं कैसे हमारे हृदय को हमको साफ करना चाहिए। तो कब तक हमको साफ करते रहना है? तब जब तक ये पूरा शुद्ध न हो जाए तब तक हमको छोड़ना नहीं है। मतलब एंड तक सब छोटा सा छोटा पार्टिकल भी निकल जाए तब तक हमको करते रहना। हमको अगर लगेगा हो गया बहुत काम कर लिया तो क्या होगा? गंदा ही रहेगा। तो इसलिए उत्साह कब तक रहना है हमको? जब तक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो ना जाए। चैतन्य महाप्रभु ये गुंडीचा मंदिर क्यों साफ कर रहे थे? क्योंकि हमको पता है रथ यात्रा के लीला में भगवान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर में आके रुकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का ये भाव था कि अगर भगवान रुकने वाले हैं ये जगह पे तो ये जगह साफ होना चाहिए। तो हम सबको भी अपने हृदय कि भगवान अगर हम बुलाना चाहते हैं तो जगह भी उतना उनके लायक होना चाहिए। राइट, तो गुरुजन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हियरिंग एंड चैंटिंग कृष्णा होली नेम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज कॉजेस आर कृष्णा कॉन्शियस डिजायर्स टू इंक्रीज। तो जैसे हमारे हृदय में हम साफ करते हैं, साफ करना मतलब हमारे हृदय में गंदगी क्या है? भौतिक इच्छाएं। राइट, अनगिनत भौतिक इच्छाएं पड़े हृदय में, उसको साफ करना है। तो साफ कैसे करते हैं? जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, साधुओं के संग में, भक्तों के संग में, तो क्या होता है? जो हमारा सही इच्छा है कृष्ण को सेवा करने का इच्छा, वो इच्छा बढ़ता है और बाकी इच्छा धीरे धीरे कम होता है। आर ह्यूमिलिटी देन डीपन्स एज वी बिकम पेनफुली अवेयर ऑफ ऑल ऑफ वॉट एवर इम्प्यूरिटी स्टिल रिमेन हिडन इन आवर हार्ट्स। तो मतलब भक्ति में दोनों चीज होता है, एक तो शुद्ध इच्छा बढ़ता है और उसके साथ साथ हमको पता चलता है कि हमारे हृदय में कितने बाकी भौतिक इच्छाएं हैं, उससे नम्रता आती है। हम नम्र भाव से हम भक्ति कर पाते हैं। वी मे स्टिल हैव डिजायर्स स्प्रिंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग एसोसिएशन विद पैशन एंड इग्नोरेंस, बट डिवोटीज ऑन द लेवल ऑफ निष्ठा डू नॉट विश टू कल्टिवेट दोज डिजायर्स, दे डोंट वॉन्ट देम फुलफिल्ड। तो जो भक्त निष्ठा के लेवल पे हैं तो उनके हृदय में भी अलग अलग काम वासनाएं आएंगी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से, पर उनका इच्छा है कि ऐसे इच्छाओं का पूर्ति न हो, वो ये ऐसे इच्छाओं को अनर्थ के रूप में देखते हैं। देखिए, हम सब भक्ति में आने से पहले हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं थी,
पर भौतिक इच्छा देख के हमको कुछ होता था क्या? बुरा लगता था क्या? गिल्ट फीलिंग आता था क्या हमको? कभी नहीं आता था, क्योंकि वो इच्छा हमारा धन था, हम उसको वैल्यू कर रहे थे। पर धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है कि ये इच्छा हमको चाहिए नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि इतने जन्मों से है, पर एटलीस्ट अभी हम सोच रहे हैं कि ये मुझे चाहिए नहीं। राइट, दे डोंट वॉन्ट देम फुलफिल्ड। हमारा इच्छा है, हम प्रार्थना भगवान से ये नहीं करते, शायद हम हृदय से शुद्ध नहीं हुए, फिर भी हम भक्ति, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं करते कि वो भौतिक इच्छा पूरा हो जाए। भौतिक इच्छा है, पर हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान ये भौतिक इच्छा, राइट, तो शायद शुद्ध नहीं हुए हैं, फिर भी हमारा इच्छा भक्ति करने का शुद्ध है। रादर दे डीपली डिजायर ओनली टू अटेन कृष्णा सर्विस, देयर सिंसियर डिजायर फॉर हिम अट्रैक्ट्स कृष्णा टू प्यूरिफाई देम फर्दर एंड अवॉर्ड देयर अवॉर्ड टेस्ट। तो जो लोग निष्ठा के लेवल पे हैं, वो भक्ति करते हैं, उनका इच्छा क्या है, प्रमुख इच्छा क्या है? भगवान का सेवा, और बाकी इच्छाओं को वो अनर्थ के रूप में देखते हैं। तो ऐसे इच्छा के साथ हम जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ये अनर्थ निकलते हैं, और जब अनर्थ निकलता है अर्थ प्रवृत्ति। तो भक्ति के मार्ग में ये दो चीज आता है, अनर्थ निवृत्ति, अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब जो नहीं चाहिए वो सब निकलता है, और अर्थ प्रवृत्ति मतलब जो चाहिए वो आता है। तो हमको अनर्थ भी निकालना है, साथ साथ भगवान के नाम में भक्ति के मार्ग में दोनों होता है। तो हमारा बाकी अनर्थ कम होता है और ये रुचि धीरे धीरे बढ़ता है, द जर्नी फ्रॉम निष्ठा टू रुचि। तो जैसे हम बोल रहे थे, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, उसके बाद रुचि आता है। तो जिसका निष्ठा श्रद्धा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद टेस्ट आने लगता है। इन द फिफ्थ चैप्टर ऑफ इस माधुर्य कादंबिनी, श्रीला विश्वनंद चक्रवर्ती ठाकुर गिव्स एन इल्यूमिनेटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नी फ्रॉम निष्ठा टू रुचि। तो ये पुस्तक है माधुर्य कादंबिनी करके, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो भक्त निष्ठा से रुचि के तक जाते हैं, ये लेवल से वो लेवल तक, उनके प्रवास में क्या क्या उनका अनुभव होता है वो बताते हैं। वॉट कैन आई से, तो जो भक्त हैं निष्ठा से रुचि तक जा रहे हैं, उनके मन में ये सब सोच रहे हैं। वॉट कैन आई से, आई एम अनफॉर्चुनेट फॉर आई एम द लोवेस्ट क्रिमिनल, तो आई हैव रिसीव द मर्सी ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम नॉट अंडरस्टूड इट्स प्रॉपर वैल्यू, इंस्टेड आई हैव बीन वॉन्डरिंग एवरीवेयर एंड इन दिस वे आई हैव वेस्टेड माई लाइफ। तो जो लोग निष्ठा से रुचि तक जाते हैं, उनके मन में ये विचार आता है, भक्तों के मन में ये लेवल में, तो उनको लगता है कि मेरे से दुर्भाग्य और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान की कृपा मिली है, गुरु की कृपा मिली है, फिर भी मैं उसका कीमत नहीं समझा मैंने, और फिर भी मैं इधर उधर भटकता रहा इंद्रिय तृप्ति में, और मेरा जिंदगी मैंने वेस्ट कर लिया। हरि हरि विफले जन्म गुवाइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषकायनु। तो मनुष्य जन्म पाके, तो मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, और उसमें भी गुरु पाना और दुर्लभ है। तो ये जिंदगी व्यर्थ कर दिया, ऐसा ये भक्त सोचते हैं। कीपिंग अ प्रेशियस ज्वेल टाइड इन द हेम ऑफ माई क्लॉथ, आई हैव बीन सर्चिंग आउट अ क्रैक्ड कोरी, अ स्पॉट ऑफ फॉल्स हैप्पीनेस बिटवीन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ मटीरियल एंगेजमेंट्स। तो उदाहरण बोलते हैं कि मेरे पास एक बहुत प्रेशियस ज्वेल है, हीरा है, जो मैंने कपड़े में बांध के मेरे शरीर से ही बांधा है, फिर भी मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, एक छोटे से पैसा उसके पीछे लगाऊं, इंद्र तृप्ति के पीछे लगाऊं। तो ये भक्त, ये सब विचार आ रहा है उसको, उसके मन में अपने आप नम्रता से ये सब सोच रहा है। नॉट प्रैक्टिसिंग एनी अंग ऑफ भक्ति, आई हैव सिंपली मैनिफेस्टेड लैक ऑफ एनर्जी, तो मैं बाकी भक्ति का अंग भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। सो डिसाइटफुल एम आई, सच इज माई सेंस ऑफ टेस्ट दैट आई लिक अप
acrid tasting profane gossip like nectar and remain apathetic to hearing the names, qualities and past names of the Lord. तो बोल रहे हैं कि मुझे भक्ति के अंग में तो रुचि नहीं है, पर मेरा रुचि किस में है? प्रजल को सुनने में, वो मुझे अमृत की तरह लगता है, और भगवान का हरि नाम हरि कथा मैं सुनता ही नहीं हूँ। हाउ अनफॉर्चुनेट एम आई, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, व्हेन आई स्टार्ट टू हियर अबाउट द लॉर्ड कंट्रोलेबली फॉल अस्लीप एंड एट एनी अपॉर्चुनिटी फॉर वल्गर डिस्कशन आई प्रिक अप माई ईयर्स एंड बिकम वाइड अवेक। मेरा दुर्भाग्य कितना है कि भगवान का हरि कथा आते ही नींद आने लगता है, पर कुछ बुरी बातें आती हैं इंद्र तृप्ति के बारे में, जो भी उठने लगता है और मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। इन दिस वे आई हैव कंटामिनेटेड द असेंबली ऑफ डिवोटीज एंड एवरीथिंग एल्स। ओल्ड एंड बेंट एज आई एम, व्हाट सिंपल एक्ट हैव आई नॉट परफॉर्म्ड सिंपली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ माई इनसेटिएबल बेली। I do not know what type of hell I will have to suffer for all my activities. तो इस तरह से भक्त सोचता है कि मैं भक्तों के संग में भी आके मैं सुध नहीं पाया, और मैंने इतने सारे पाप किया है, मुझे पता नहीं कौन सा नर्क मेरे लिए रुका है। In this way, the devotee despairs over his previous state of consciousness, feeling real disgust. तो इस तरह से जो प्रामाणिक भक्त है वो इस तरफ से अपने आप के बारे में सोचता है और उसको बहुत बुरा लगता है कि इतना अवसर पाके भी मैं कुछ कर नहीं पाया। देन एज विश्वनाथ चक्रवर्ती डिस्क्राइब्स इट, द डिवोटी इन अ रिमोट प्लेस लाइक अ स्वैन बिगिन्स टू टेस्ट एंड रेवरेंटली स्पीक नेक्टेरियन कृष्ण कथा, द जूस फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द डिजायर ट्री, द ग्रेट उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, साइंस ऑफ भक्ति। तो यही जो भक्त ये सब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अपने आप को तुच्छ बोल रहा है कि मेरा जिंदा, मैं प्रजल को सुनता हूँ, हरि नाम में रुचि ही नहीं है। वही भक्त और एक जगह पे जाके भगवान कृष्ण कथा में उसको इतना रुचि आता है, हाँ, और जब वो भागवतम बोलने लगता है हर कोई ध्यान से सुन रहा है उसका कथा। He talks constantly with devotees, excluding any topic not related to Krishna. First like a curious spectator, then standing closer, then sitting, and finally entering into the discussion with full attention. तो यही भक्त, मतलब बोलने का है, actually उसका level पर वो अपने आप को तुच्छ मानता है। तो यही भक्त जब कृष्ण कथा सुनने का उसका अवसर आता है, इतना ध्यान से उसके अंदर घुस जाता है, और जब बोलने का अवसर आता है उसको इतना रुचि के साथ कृष्ण कथा बोलता है। ही ऑल्सो टेक्स रिफ्यूज इन द लॉर्ड्स धाम एंड फिक्सेस हिमसेल्फ प्योरली इन द लॉर्ड सर्विस। इग्नोरेंट पीपल थिंक ही हैज गॉन मैड। जिसको रुचि आता है वो कभी इस तरफ ऐसा बात करता है कि उसमें कुछ भक्ति नहीं है, ये है, और दूसरे तरफ कभी इतना भक्ति का भाव दिखाता है। बाहर के लोगों को बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा आदमी क्या दिखता है? पागल हो गया। द ब्लिसफुल डिवोशनल सर्विस परफॉर्म बाय एक्सपर्ट डिवोटी बिगिन्स टू लर्न द स्टेप्स ऑफ द डांस, देन हिज हैंड्स बीइंग कॉट बाय द डांस इंस्ट्रक्टर्स रुचि, ही लर्न्स एवरीथिंग, एक्सपीरियंसिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनप्रेसिडेंटेड अनइमेजिनेबल गोल्डन ब्लिस दैट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो ये एक अलग ही ऊंचा लेवल है रुचि का। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं ये कैसा है, रुचि एक भक्ति के अलग अलग लेवल पे है। रुचि एक मिस्ट्रेस की तरह है, जब रुचि आती है तो क्या करती है, भक्तों को नचाती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ नचाती है, और ऐसा भक्त को इतना आनंद आता है कि वो अपने आप को भूल जाता है, पागल की तरह बर्ताव करता है। तो ये क्यों विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको डिस्क्राइब कर रहे हैं, रुचि का लेवल तो बहुत ऊंचा है हमारे लिए, अरे निष्ठा रुचि का क्यों बोल रहे हैं? कभी कभी जब हम भक्ति करते हैं और अनर्थ निवृत्ति का फेस बहुत लंबा रहता है, क्योंकि ये अनर्थ निवृत्ति कितना समय लगेगा बोल नहीं सकते, एक जन्म में हो सकता है, कई जन्म लग सकता है, अपने प्रयास के ऊपर है। पर निवृत्ति से जाने में हमको कुछ इंस्पिरेशन चाहिए,
तो कभी जब हम ये रुचि के बारे में सुनते हैं, मतलब ऐसे भक्त कितना आनंद में, तो हमको वो इंस्पिरेशन मिलता है कि हम थोड़ा और करेंगे अनर्थ निवृत्ति का स्टेज, वो लेवल हम भी पहुंच सकते हैं। कृष्णास होली नेम्स, डिवोटीज एट द लेवल ऑफ निष्ठा हैव टेकन फुल शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड हिज होली नेम्स, येट देयर चैंटिंग इज नॉट येट प्योर, फॉर दे आर स्टिल प्लेग्ड बाई लिंगरिंग सटल एंड इवन ग्रॉस डिजायर्स फॉर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। तो प्रभु जी बोल रहे हैं जो निष्ठा के स्तर पे आ गए, अनर्थ निवृत्ति होके उनका निष्ठा के स्तर पे आ गया है, तो ऐसे भक्तों का, उन्होंने कृष्ण के नाम का पूरा आश्रय लिया है, फिर भी उनका नाम हरि नाम जो है पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। क्यों? कि पूरी तरह से अनर्थ मिटा नहीं है, पूरा अनर्थ नहीं गया, फिर भी थोड़े बहुत इच्छा। बट रादर देन कल्टिवेटिंग दोज डिजायर्स, दे डिक्राई देम, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, आई एम सच अ फूल, आई सफर अनलिमिटेडली ड्यू टू माई इम्प्योर हार्ट विच स्टिल सीक्स रीक्स फ्रॉम माई पेटी सेल्फिश डिजायर्स एज एन एम्प्टी बॉटल स्टिल रीक्स ऑफ द वाइन दैट वंस फिल्ड इट। तो उनके अंदर थोड़े इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, पर वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये चाहिए नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ये निकाल दीजिए। और उनको क्या लगता है, उनके अंदर ये भौतिक इच्छाएं कैसी है, जैसे एक दारू का बॉटल है, वो दारू का बॉटल आप दारू निकाल के उसको धो लेंगे बहुत बार, फिर भी एक वो दारू का एक स्मेल रहता ही है, क्योंकि दारू का बहुत सालों से दारू भरा था उसमें। तो वैसे ही अनर्थ निवृत्ति हो गया उनका, कचरा सब निकल गया, बहुत बार धो के उन्होंने साफ कर दिया बॉटल को, फिर भी थोड़ा वो स्मेल है, और वो थोड़े से भी उनको अच्छा नहीं लगता, वो भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निकाल दो, मुझे पूरी तरह से शुद्ध बनना है। तो कभी कभी भगवान ये थोड़े अनर्थ रखते हैं, क्यों? क्योंकि इससे नम्रता आती है। पूरी तरह से आदमी शुद्ध बन गया तो अहंकार भी आ सकता है, तो भगवान थोड़ा अनर्थ रखते हैं ताकि भक्त नम्र बने और तीव्रता से उनको पुकार पाए। दे आर हम्बल येट फर्म रिजॉल्व टू बिकम फ्री ऑफ एनी डिजायर अदर देन द डिजायर टू सर्व कृष्णा कोट्स दे आर चैंटिंग। तो उनके अंदर बुरा भी लगता है कि थोड़े बहुत काम वासना है, अनर्थ है, पर फिर भी उनका ये दृढ़ निश्चय है कि हम हरिनाम करेंगे और ये इच्छाओं को मिटाएंगे। देयर ह्यूमिलिटी एंड डिपेंडेंस इंक्रीजेस एंड द इंटेंसिटी ऑफ देयर डिजायर टू सर्व कृष्णा ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इस तरह से उनका नम्रता बढ़ता है, क्योंकि वो अपने आप को तुच्छ मानते हैं, अनर्थ देखते हैं, उनका नम्रता बढ़ता है और भगवान के प्रति और आश्रय लेते हैं, और इससे कृष्ण के सेवा करने का इच्छा उनका बढ़ता है। देखिए, हम आज दोपहर को हम डिस्कस कर रहे थे नम्रता में और लो सेल्फ एस्टीम में फर्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड लो सेल्फ एस्टीम। ह्यूमिलिटी मतलब नम्र समझना, लो सेल्फ एस्टीम मतलब तमोगुण का लक्षण है, उसमें आदमी डिप्रेशन में जाता है, मैंने कुछ फायदा का नहीं है। तो ये भक्त, उनको बुरा लगता है जब अनर्थ देखते हैं, पर उससे उनका उत्साह भक्ति में कम नहीं होता, वो लोग सोचते हैं मैं और उत्साह से भक्ति करूंगा ताकि ये भी निकल जाए, राइट। देयर डिजायर टू सर्व कृष्णा इंक्रीजेस। जैसे जब माया अटैक करती है, अनर्थ आते हैं, हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, एक्चुअली हमारा इच्छा और बढ़ना चाहिए, इस बार मैं ऐसा प्लान करूंगा कि फिर से अटैक करूंगा। जैसे एक क्षत्रिय होता है, हार कभी मानता नहीं है, वैसे हमको होना चाहिए, बार बार कीप कमिंग बैक। द मर्सी ऑफ कृष्णास होली नेम्स फ्लोज टू सच सिंसियर चैंटर्स एंड इंक्रीज द प्यूरिटी ऑफ देयर हार्ट फॉर अनमोटिवेटेड डिवोशन भक्ति हेतु की। तो इस तरह से कृष्ण की कृपा हरिनाम के माध्यम से आती है, और उनका जो इच्छा है अनन्य भक्ति का, वो इच्छा बढ़ता है। इन समरी कंक्लूजन में, वन शुड चैंट कृष्णास होली नेम विथ एवर डीपनिंग ह्यूमिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑन द होली नेम्स मर्सी। तो हमका हरिनाम कैसे करना चाहिए, नम्रता के साथ। नम्रता कब आएगी, जब हमारे अनर्थों को हम देखेंगे, हमारा लेवल हमको हम परखेंगे
तो ध्यान से जप करने से क्या होता है, पहला हम अपने हृदय के अंदर देख सकते हैं, जब हमारे अनर्थ देखेंगे तो हम नम्र बनेंगे और वो नम्रता में हम भगवान के नाम का आश्रय ले सकते हैं। बाई प्रेयरफुली चैंटिंग इन दिस मूड, रिकग्नाइजिंग वंस लैक ऑफ क्वालिफिकेशन, येट डिजायरिंग नथिंग बट टू अटेन कृष्णा सर्विस एंड अर्जेंटली बेकिंग कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम्स टू प्यूरिफाई द हार्ट, कृष्णा विल अवॉर्ड वन रुचि टेस्ट बाई हिज ओन कॉजलेस मर्सी। हाँ, तो प्रार्थना पूर्वक जप करने से ये भावना में, कौन से भावना में, ये समझ के कि पहला तो मेरा कुछ गुण नहीं है, फिर भी मेरा कृष्ण को पाने का इच्छा बहुत स्ट्रांग है। जैसे हमारे गोस्वामी इस प्रार्थना करते हैं, मैं छोटा सा ड्वाफ हूँ, ड्वाफ को क्या बोलते हैं, बौना, छोटा सा बौना हूँ, पर मेरा इच्छा क्या है, चंद्रमा को पाने का इच्छा है। तो हमारा वो लेवल है, हम छोटे से बौने हैं पर इच्छा हमारा ऊँचा ही है, वो पाने का इच्छा है। और हम भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, ये भावना के साथ हम करते रहेंगे हरिनाम नम्रता से, तो क्या होगा, भगवान उनके कृपा से रुचि देंगे। तो रुचि कब आती है, भगवान की कृपा से ही आती है, पर भगवान की कृपा कब आएगी, जब हमारा एटीट्यूड सही रहेगा। इन इस फोर्थ वर्स ऑफ श्री शिक्षाष्टकम, श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्क्राइब्स द कॉन्शियसनेस ऑफ वन हु चैंट्स कृष्णास नेम ऑन द लेवल ऑफ रुचि। जो व्यक्ति हरि नाम रुचि के प्लेटफॉर्म में लेता है, उसका चेतना क्या है, ये चौथा श्लोक है शिक्षाष्टकम का, क्या है, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतु की त्वयि। तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं कि रुचि के लेवल पे क्या प्रार्थना होता है। प्रार्थना है, हे भगवान, न धनम, मुझे कोई धन की ज़रूरत नहीं है, न जन्म मतलब मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है, न सुंदरी सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष उसकी ज़रूरत नहीं है, कविताम कविता मतलब मुझे यश नहीं चाहिए, गुणगान नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतान भक्ति रहित गीत हुई। तो भगवान बोल रहे हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट इवन मुक्ति, तो भौतिक इच्छा भी नहीं चाहिए, तो भक्तों को भुक्ति भी नहीं चाहिए, भौतिक इच्छा और मुक्ति भी नहीं है, भुक्ति कामी भी नहीं है, मुक्ति कामी भी नहीं है, उनका क्या इच्छा है, भगवान मैं आपका सेवा करता रहूं बस, जन्म 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 भी हुआ तो चलेगा, पर मुझे आपका सेवक बन के ही रहना है, ये उनका दृढ़ निश्चय रहता है, मुझे यही चाहिए। तो ये रुचि का लेवल है। हरे कृष्णा, किसी का कुछ प्रश्न है, एनी क्वेश्चन? हाँ, भक्ति के स्तर पे है, हाँ भक्ति के स्तर पे है, एग्जैक्टली, हाँ भक्ति के स्तर पे नहीं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे है, क्योंकि वो प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि ये इच्छा निकल जाए, इच्छा आती है क्योंकि कंडीशनिंग है, इच्छा आती है, पर उसका प्रार्थना भगवान से रहता है कि मुझे ये इच्छा का पूर्ति नहीं होना चाहिए, ये इच्छा निकल जाए, सो दैट्स गुड, वो भक्ति का ही स्तर है। नहीं, जब हम चैंटिंग करते हैं, जो हम ध्यान से चैंटिंग करते हैं, हमने काफ़ी सारे बुरे कर्म कर चुके हैं, तो हमको जो याद आता है वो सारी चीज़, वो भी क्या भक्ति का स्तर है? भक्ति का स्तर मतलब एटलीस्ट हम प्रार्थना तो कर रहे हैं भगवान से कि ये निकल जाए, तो हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे जाएगा, हमको उस पर थोड़ा काम भी करना है, वो काम करेंगे, साथ ही साथ भक्ति का ही स्तर है, वो भक्ति का ही प्रोसेस है, अनर्थ निवृत्ति भक्ति का ही मार्ग है। अगर हम बोलेंगे एक मतलब हरिनाम करके आदमी शुद्ध होके ही भक्ति करेगा, तो कोई भक्ति के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। जैसे कोई आके डॉक्टर के पास बोलेगा कि मतलब मैं बीमार हूँ, मैं आपके पास आ सकता हूँ क्या, डॉक्टर बोलेगा बीमार है इसलिए तो मेरे पास आएगा, हमारा क्वालिफिकेशन है उसका, बीमार इसलिए आया, तो हमारे पास भौतिक इच्छाएँ हैं पर हम भक्ति कर रहे हैं, डॉक्टर के पास सही सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, राइट,
हम शुद्ध भक्त नहीं है आप, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ जो लोग शुद्ध हैं वो भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास अनर्थ हैं वो भी भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड है, क्योंकि भक्ति के मार्ग से ही सब अनर्थ निकलेगा ना अल्टीमेटली। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो पहले से भक्ति में आ जाते हैं, जिनको जब जब तक तो जब से उनको ज्ञान नहीं होता है, जैसे 5 साल 6 साल जैसे लाइफ पाया, तो उनका क्या पहले जन्म का स्वीकृति रहती है या माँ बाप का ये रहता है, वो क्या रहता है स्वीकृति? मतलब हाँ, पहले जन्म का भक्ति का स्वीकृति रहेगा, मतलब पहले जन्म में कुछ तो भक्तों के संपर्क में आए होंगे तो भक्तों के परिवार में जन्म लेते हैं, तो पहले जन्म का ही स्वीकृति है। हाँ, पहले जन्म का स्वीकृति मतलब पुण्य स्वीकृति नहीं, भक्ति का ही स्वीकृति है, तो किसी भक्तों के द्वारा ही मिला है। ओके, हरे कृष्णा।